500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। आदि पुरुष मूवी ने ये प्रूफ कर दिया है कि बॉलीवुड को केवल बॉयकॉट ही नहीं बैन कर देना चाहिए। इस मूवी में सिर्फ हिंदू संस्कृति का अपमान किया गया है, मजाक उड़ाया गया। बजरंग बली श्री हनुमान जी का रोल प्ले करने वाला आपका एक्टर हिंदू तक नहीं लग रहा है। 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। इतनी अभद्रतापूर्ण व्यवहार का प्रयोग किया गया है। इस छपरी मूवी को रिलीज करने का ऑर्डर दिया किसने? कपड़ा तेरे बाप का, तिल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। ये मूवी देखने के बाद फ्रेंड्स रावण भी कह रहा होगा कि हर साल जलाते तो थे, ये इस तरह से जुलूस निकालने की जरूरत क्या थी। पूरी मूवी में रावण का तो रोल समझ में ही नहीं आया। कभी उसके 10 सर आगे लग जाते थे, कभी पीछे लग जाते थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। और उसकी जो कटिंग थी ना ऐसे वाली, वो जेल वेल लगा के जो कटिंग करते, समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, रावण है ये क्या है ये। फ्रेंड्स टोटल मजाक, हिंदी संस्कृति का सिर्फ इस मूवी में मजाक बना के रख दिया और कुछ भी नहीं किया। बेकार मूवी, बेकार सब कुछ। बायकॉट। मूवी बनाने की क्या मजबूरी थी यार, हम लोग बिना मूवी के रह लेंगे, लेकिन ऐसी मूवी मत बनाओ यार। इस तरीके की हमारी संस्कृति का मजाक बनवाएंगे ये लोग? इस तरह से हमारी संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स अगर आप लोग मूवी देखने के लिए नहीं गए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ना जाएं। ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने के लिए मिलेंगे कि कानों में से खून निकलने लगेगा। और हनुमान जी अगर साक्षात उस कुर्सी पे आके बैठ गए ना तो अपनी गदा उठा के वहाँ घुमा ही देंगे। प्लीज़ ना जाएं ये मूवी देखने के लिए। कॉट मूवी।